हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी वे में भरमा वैगन। अगर भरमा वैगन बनाना चाहते हैं आप और वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी रेसिपी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले है। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर माय लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस टोटली फ्री। सबसे पहले भरमा बैगन बनाने के लिए हम यहाँ पर मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 से 2 प्याज, गार्लिक, थोड़ी सी यहाँ पर हमने ली है धनिया जो कि खड़ी धनिया है, साबुत धनिया, और थोड़ी सी लाल मिर्च और हरी मिर्च है और टमाटर है। इन्हीं सभी चीजों को पहले हम ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे मिक्सर के जार में डालकर। मैंने यहाँ मिर्ची बहुत ही कम क्वांटिटी में ली है। अगर आप बहुत ज्यादा चटपटा खाते हैं तो और लाल मिर्ची ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमें जो बैगन है उसमें ऐसे चीरा लगाना है, ऐसे कट कर लेना है चारों तरफ से। हमने बैगन को अच्छे से साफ करके धो लिया था और यहाँ पर किचन टॉवल से हम साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे, उसको क्लीन कर लेंगे और सुखा लेंगे। और फिर अपना जो मसाला भरना है उसको निकाल लेंगे प्लेट में। एक चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, आधी चम्मच मैंने लिया है हल्दी, और थोड़ा सा पिंच ऑफ जीरा, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम यह लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर जो हमने कट लगाया है बैगन में उसमें भर देंगे। बैगन में हमने कट इसीलिए ही लगाया है जिससे कि आप उसके अंदर भी देख सकें कि कुछ गंदगी तो नहीं है, कुछ कीड़ा तो नहीं लगा। और फिर इसके अंदर हम मसाले को भर देंगे और फिर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ही आसानी से ये फ्राई भी हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है ज्यादा तेल का यूज करने की। बहुत ही आसानी से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। और अगर आप और भी रेसिपी मेरे देखने चाहते हैं तो भरमा बैगन की मैंने और भी पहले रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ। वो थोड़े से अलग टाइप के बैगन थे, ये अलग टाइप के बैगन है। ये वाले बैगन ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, मैंने कई बार बनाए हैं इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि किस बैगन में ज्यादा टेस्ट होता है। अगर आपके पास इस टाइप के बैगन है और मार्केट में अगर आपको मिले इजीली तो आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही यमी लगते हैं ये बैगन। अब हम एक फ्राइंग पैन, एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे और उसको गर्म करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जो बैगन है उनको शैलो फ्राई करना है। और अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। बैगन बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं बहुत ही कम तेल में भी, इसलिए धीरे धीरे सारे बैगन हम तेल में डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से और फिर इसको हम कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे ये नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो हम इसको पलट देंगे। ये वाले बैगन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं भरमा बैगन में, आप लोग भी जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। बहुत ही इजी और बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये, और बहुत ही ज्यादा यमी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अब एक तरफ से हो गए हैं तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम इसको टर्न कर देंगे, पलटा देंगे, जिससे ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आप बस इस बात का ध्यान रखें जब भी आप बैगन को फ्राई करें उसको 80% ही फ्राई करें, इसको आपको पूरा नहीं फ्राई करना है अच्छे से, क्योंकि 20% हम फ्राई करेंगे अपनी ग्रेवी में। अब एक दूसरी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा उसमें हम डाल देंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1/2 स्पून राई, 1/2 स्पून जीरा, थोड़ी सी मेथी के दाने और पिंच ऑफ हींग। हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी सब्जी में, और बहुत ही सुपाच होती है, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब जैसे ही सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी हम इसमें डाल देंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पीस कर मिक्सर से निकाला है। और इसको हम जब ऐड करेंगे तो मसाला जब तक हमारा ऑयल ना छोड़ दे, जब तक हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टर करेंगे, अच्छे से इसको चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और फिर हम अपने जो बैगन है वो डालकर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें और ऐड करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और बनाकर देखें विथ माई रेसिपी। अब जो मसाला है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें विदाउट अनियन गार्लिक भरमा बैगन की रेसिपी तो वो भी मेरी रेसिपी मेरे चैनल पर डली हुई है, तो वो जाकर आप जरूर देख सकते हैं।
अब हमने इसमें अपना मसाला डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ऑयल के साथ, और इसको भी हम कवर करके पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि ये मसाला हमारा ऑयल ना छोड़ दे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, घर पर आप कभी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। कोई भी पार्टी फंक्शन हो या कोई भी आपका ओकेजन हो जिसमें कुछ स्पेशल बनाना है आपको, तो ये रेसिपी, ये डिश बनाकर जरूर ट्राई करें और तारीफ पाने के लिए तैयार हो जाएं। आप अच्छे से हम मिक्स करेंगे जब तक ये हमारा जो मसाला है ऑयल ना छोड़ दे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस मीडियम फ्लेम पर आप अच्छे से इसको स्टर करें, और जो हमारा बाकी बचा हुआ मसाला था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अगर ये मसाला आपके पास नहीं बचा हुआ है तो थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार आप डाल दें, तो आपकी ग्रेवी ये रेडी हो जाएगी। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे। अगर आप और ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो आप इसमें लाल पिसी हुई मिर्च डाल सकते हैं और थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, पर उसके बिना भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। और अब आप देख सकते हैं हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप इसको डाल दें, अगर क्रीम है तो क्रीम भी डाल सकते हैं, और दही है बिल्कुल फ्रेश तो वो भी डाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई डेयरी प्रोडक्ट डालें आप, दूध दही वाली चीज़, तो गैस बिल्कुल मीडियम या बिल्कुल ऑफ कर दें, क्योंकि ये गर्डल हो सकता है, फट सकती है हमारी ग्रेवी। इसीलिए अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, फिर अपना फ्लेम को हाई करेंगे। अब जो हमारी ग्रेवी है रेडी होने वाली है, आप देख सकते हैं मलाई डालने के बाद कितनी ज़्यादा इसमें रिचनेस आ गया है, क्रीमी हो गई है, बहुत ही यमी लगता है ये। आप लोग भी जरूर ट्राई करें, और ये ग्रेवी आप बहुत सारी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल ग्रेवी है, 50 से ज़्यादा सब्जियाँ आप इससे बना सकते हैं। अब इसमें हम धीरे से अपने डाल देंगे बैगन, जो कि हमने यहाँ पर फ्राई करके रखे हैं शैलो फ्राई, और बैगन डालने के बाद भी हम इसको कवर करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। धीरे से हम सारे बैगन डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे, जिससे कि सारी ग्रेवी इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से मिक्सअप हो जाए दोनों। और फिर बस ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, हरे कटे धनिए से आप इसको गार्निश करें और सर्व करें गर्म गर्म। इसको आप रोटी चपाती या फिर जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यमी लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, ऐसा लगता है कि आप इसको ऐसे ही खाते रहें। एक बार जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये भरमा बैगन की रेसिपी कैसी लगी। अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। उसको प्रेस करने से जो भी आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, और मेरे वीडियोस आप सबसे पहले देख सकते हैं। बहुत ईजी वे में, बहुत ही हेल्दी वे में आप लोगों के साथ मैं हर एक रेसिपी शेयर करती हूँ, और अभी मैं आप लोगों के साथ 160 रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर देखें। हमारे यमी टेस्टी भरमा बैगन बनकर रेडी है, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर मैसेज करें। अगर आज का ये वीडियो, ये रेसिपी आपको थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, टोटली फ्री। थैंक यू।